दोस्तों ऐसे हालात जब मार्केट्स में जॉब्स ना होने के बराबर हैं और हजारों की तादाद में हर साल पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएशन के बाद फारिग होकर निकलते हैं, लेकिन जब वो मार्केट जाते हैं तो उन्होंने मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे हालात में स्टूडेंट्स क्या करें, या वो कारोबार करें या थक हार बैठ कर घर बैठ जाए। दोस्तों कारोबार के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के पास ना होने के बराबर होती है। दोस्तों ऐसे हालात में जब मार्केट्स में जॉब्स ना हो, आगे पास करने के लिए कारोबार ना हो, तो फ्रीलैंसिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो फ्रीलैंसिंग होती क्या है? तो फ्रीलैंसिंग कहा जाता है जब आप खुद के लिए काम करते हुए पैसे कमाते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि फ्रीलैंसर कहलाते हैं। दोस्तों देखा यह गया है कि फ्रीलैंसर कंपनीज के एज अ कॉन्ट्रैक्टर भी काम करते हैं। आप किसी कंपनी के लिए उसके काम करते हैं एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आप उस कंपनी के एज अ कॉन्ट्रैक्टर फ्रीलांसर भी कहलाते हैं। तो फ्रीलांसिंग सिर्फ डिजिटल सर्विस में नहीं होती। अगर आप ब्लॉगिंग पे काम करते हैं तो ब्लॉगिंग भी आपकी फ्रीलांसिंग में आती है। अगर ई कॉमर्स में काम करते हैं तो ई कॉमर्स भी आपके फ्रीलांसिंग के जम्मे में आती है। इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करते हुए जब आप खुद के लिए पैसे कमाते हैं तो आप फ्रीलांसर कहलाते हैं। दोस्तों अगर मैं एक अच्छा फोटोग्राफर फोटोग्राफी से पैसे कमाता हूँ तो मैं एक फ्रीलांसर। अगर मुझे अच्छा पियानो बजाने आता है तो पियानो से पैसा एक पैसे कमाता हूँ। दोस्तों मैं एक फ्रीलांसर। जरूरी नहीं है कि फ्रीलांसर टेक्निकल या डिजिटल। अगर कोई शख्स एज अ इंडिविजुअल पैसे कमाता है अपने स्किल से तो वो फ्रीलांसर कहलाता है, ना कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप भी फ्रीलांसिंग से पैसे कमा सकते हैं, वो भी कई गुना जॉब से ज्यादा। तो आप अभी अपनी जो अपनी फील्ड का इंतखाब करें जिसमें आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। अपनी फील्ड का इंतखाब करते हुए उसमें स्किल्स हासिल करें और फ्रीलांसिंग शुरू कर दें। यकीन जाने आप जॉब से कई गुना ज़्यादा पैसे कमाने शुरू हो जाएंगे।